नंबर तो है लेकिन आगे एक नंबर में आइए। हाँ समझाइए, मोटरसाइकिल साफ है, दो नंबर पर 5 तारीख के जी वोट पड़ते जिधर थी घर मिर्जापुर होने बूथ पर्सन के लिए। नमस्कार, आपके साथ मैं उनिशा और आप देख रहे हैं भाग 24/7। हम रोहित प्रखंड में इस बार आए हुए हैं इस वक्त और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनसंपर्क का कार्यक्रम चल रहा है। तो चलिए यहाँ पे हमारे साथ एक है, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? कुमारी शबनम। अच्छा शबनम जी, ये बताइएगा कि आप ये जो जनसंपर्क कर रही हैं उसका उद्देश्य क्या है? विकास करना जी, हर तरह से अपना पंचायत को आगे ले जाना जी। मतलब आपका मेन मुद्दा, मेन फोकस विकास पर रहेगा? विकास पर ही रहेगा जी। जो भी जनता का प्रॉब्लम होगा उसको दूर करने का कार्य करेंगे। अच्छा ये बताइएगा कि आपका क्रमांक नंबर कितना है, आप कितने पे? दो नंबर है, मोटरसाइकिल छाप है। अच्छा, रहुई से मुख्य पार्षद पद के लिए नॉमिनेशन करवाए हैं, खड़े हैं जी। जनता का अपार समर्थन है। अच्छा, जो जनसंपर्क यात्रा कर रहे हैं डोर टू डोर कर रहे हैं? डोर टू डोर सभी का घर जा कर मैं अच्छी तरह से हाथ जोड़ कर निवेदन कर रही हूँ कि सपोर्ट करें मुझे। बिल्कुल, और एक बार हमें भी मौका दिया जाए, जनता से अपील कर रही हूँ। अगर आप जीतते हैं तो जनता के लिए आपका प्रथम कार्य क्या रहेगा? जो भी यहाँ पर मैंने प्रॉब्लम है, जैसे रहुई बाजार का ही ले लीजिए, बहुत सारे वर्षा जब पड़ता है तो रहुई में ही आदमी का चलने में ही दिक्कत होता है, उस सब को मैं दूर करना चाहती हूँ। अच्छा। और रहुई को बहुत आगे ले जाना, बहुत आगे ले जाने का कोई सपना है रहुई का? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार पटेल, फिर आपका शुक्रिया। अच्छा संजय जी, ये बताइए जनसंपर्क का उद्देश्य क्या है आप लोग का? जनसंकल्प संकल्प संकल्प का उद्देश्य है चुनाव का जीत हो जी। और जितने क्रम में जितने के बाद नगर पंचायत को बिहार स्टेट का अव्वल नगर पंचायत हो, मेरा उद्देश्य यही है और उस ओर हम काम करना शुरू कर दिए हैं। 20 तारीख का चुनाव को जो डेट था उसके बाद जो गैप मिला, उस दरमियान हम तीन गाँव में, अच्छा, खिरौना, सुल्तानपुर और कुछ भाग गए भी, जो कि लगभग 15 से 20 लाख रुपये का हमने विकास कर दिया। अच्छा। जो कि अभी कुछ जगह चल भी रहा है और कुछ जगह फाइनल हो गया। और नगर पंचायत सुंदर हो, जो ओपन एरिया है, ओपन एरिया में जैसे जो हमारे नगर पंचायत में नहर है, नाला है, नदी है, उस ओर हमने सरकार के द्वारा लगभग करोड़ों रुपया का स्कीम हमने सैंक्शन करवा दिया है और कुछ वर्क चालू भी हो गई है। अच्छा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से प्रखंड में है जी। मिर्जापुर में उप स्वास्थ्य केंद्र का टेंडर भी हो गया है, जो कि वर्क चालू होने वाले हैं, टेंडर हो चुका है, ठेकेदार भी आ चुके हैं। छिलका का कार्य चालू है, लगभग 50% कार्य पूर्ण कर लिया गया है और बरसात के पहले छिलका के बाद ऊपर ब्रिज चालू कर दिया जाएगा जी। अच्छा, मेन चुनावी मुद्दा क्या होगा इस बार आपका इलेक्शन का? चुनावी मुद्दा मेन विकास है, मेन विकास आपका, विकास का मुद्दा है जी। विकास से बहुत पीछे है नगर पंचायत रहोही। बिल्कुल जी। अच्छा, आप जितने भी दर्शक देख रहे हैं, जनता देख रहे हैं, आप उनसे क्या कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? यही अपील करें कि आप लोग, 4 प्रत्याशी हैं मुख्य पार्षद पद पर, चारों प्रत्याशी कंपेरिजन कर लें। अगर हमारा प्रत्याशी का नाम विकास में आता है, विकास करने में आता है, तो वोटिंग जरूर करें जी। यहाँ पे हमारे साथ कुछ समर्थक भी मौजूद हैं, आइए हम उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। अच्छा, प्रत्याशी के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रत्याशी के लिए यही है कि सब जनता से हम अभी अपील करते हैं कि अच्छे प्रत्याशी हैं, कर्मठशील हैं, योग्य उम्मीदवार हैं, पढ़े लिखे शिक्षित हैं, साथ में इनका पति बहुत समाजसेवी व्यक्ति हैं जी। इसलिए हम अपील करते हैं कि इनको जिताया जाए ताकि इस पंचायत का जो पिछड़ा है ये आगे जाए
ये नगर पंचायत और बिहार राज्य का अव्वल नंबर अच्छा बने। अच्छा, आप जितने पब्लिक देख रहे हैं उनसे क्या रिक्वेस्ट करना है, उनको क्या बोलना चाहेंगे? पब्लिक को तो कहते हैं हम स्पष्ट रूप से कि इनका भरपूर सहयोग कीजिए, सहयोग करें, बिल्कुल इनको वोटिंग कीजिए, इनको ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताइए ताकि हमें काम करने में पूर्ण तरह से ताकत हो जी, ताकि रहुई में विकास ला सके। जी हाँ, हम जी विकास के लिए तो तत्पर है, तत्पर है। विकास तो समझिए कि दिन रात हर व्यक्ति का कार्य बिल्कुल किया करते हैं इनका पति संजय कुमार पटेल, राकेश मुखिया है। कैंडिडेट का नाम क्या हुआ? कैंडिडेट का नाम है कुमारी सबनम। उनका चुनाव चिन्ह? चुनाव चिन्ह मोटरसाइकिल छाप दो नंबर पर। दो नंबर पर